नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूरोप चैनल पी एस टी क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस वीडियो में बीटीसी एएनएम 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, क्योंकि बार बार आप लोग जब अभी 12 बजे लाइव कर रहे थे तो कॉमेंट कर रहे थे, सर एग्जाम के आधार पर वैकेंसी क्लियर होगा या काउंसलिंग के आधार पर। सर कल पटना हाईकोर्ट में केस का सुनवाई है, तो उसमें सर क्या अपडेट निकल के आई है, और जहाँ से हमें अपडेट मिलता है हम आपको बातचीत करके आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इस कॉल रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनिए, अभी हम बातचीत की और बातचीत में क्या बताया गया है। जो यह बीटीसी एएनएम 10709 पुश का रिजल्ट कब आएगा, कितने फेज में रिजल्ट जारी किया जाएगा, मेरा सूची कब तैयार किया जाएगा, कब ज्वाइनिंग हो जाएगा, और कैसे काउंसलिंग के आधार पर या वैकेंसी क्लियर होगा या एग्जाम के आधार पर, सबसे पहले इसको आप कॉल रिकॉर्डिंग की सुन लीजिए। सबसे पहले सुनिए जो अभी हम बातचीत किए, आप लोग को बिलीव नहीं होता है सर वैसे ही वीडियो बना देते, सबसे पहले आप कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए। रिजल्ट कब आ रहा है बीटीसी एएनएम का? 12 से 17 नया सरकार सर अभी गठन हुआ है, कल मंत्रालय भी मिल गया है, अब बच्चे सब जा रहे हैं मिलने के लिए। सम्राट चौधरी से सम्राट चौधरी बोल रहे हैं, जो सोने हैं सुनवाई में आ रहा है। एक लड़का भी मैसेज कर रहा था, अभी लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, जो काउंसलिंग ही होगा सर, कैसे होगा? काउंसलिंग नहीं होगा, सरकार वही है नहीं वैकेंसी जिस समय एनडीए से मिले हुए थे उसी समय वैकेंसी, मंगल पांडे जिस समय थे तो उस समय वैकेंसी आया था, फिर उन्हीं का सरकार बना है। और कल जो है स्वास्थ्य मंत्रालय इसे मिला है सम्राट चौधरी को, तो आज जो है सुने हैं अर्चना दीदी और गई है मिलने के लिए, तो सम्राट चौधरी बोला है जो काउंसलिंग के आधार पर क्लियर होगा। कल पटना हाईकोर्ट में भी केस का सुनवाई है, क्या हो सकता है केस का सुनवाई में भी, और क्लियर कीजिए, स्टूडेंट सब परेशान है। 12 से 15 तो हमको पता है, 12 से 15 केस में रिजल्ट आ जाएगा, कल कोर्ट का सुनवाई होगा, केस अगेंस्ट कर दिया जाएगा, केस को फिर स्थगित कर दिया जाएगा, मतलब फिर से डेट आकर मिलेगा, कोर्ट में कुछ नहीं होगा? नहीं, डेट और सबसे बेहतर रहेगा ऐसा ही, मतलब डेट आगे बढ़ते रहेगा। हाँ, और एग्जाम पर ही क्लियर बाहर ही होगा। हाँ, काउंसलिंग तो करेगा, उसके लिए भी तो डाटा तैयार कर ही ना रहे, सरकारी है छुट्टी हो सकता है, लेकिन 12 से 15 की चीज़ें करने का चांस है, ठीक है। अगर काउंसलिंग के आधार पर करना होगा इधर तो ऑल का ले ही लिया, डिग्रियन का ले ही लिया, रिजल्ट देख के आराम से कर लिया। वैसे भी अभी तो सर कल पेपर में जो दिया हुआ था तो उसमें तो ऐसे ही स्पष्ट रूप से सर दिया हुआ था पेपर में, जो मेरा सोची है कि बार बनेगा, जैसे पहले सबसे पहले संविदा वाले को बुला लिया, सबको काउंसलिंग करवा लिया, अभी विकलांग को बुला रहा है कल से, तो फिर सर अगर काउंसलिंग होता है तब तो इसमें बीच में प्रेशर वाला कैंडिडेट मारा जाएगा। ₹50,000 12 से 15 दे देगा आपको, ठीक है, महीना के लास्ट लास्ट एक महीना के अंदर ना महीना किसी दे देगा आपको। नहीं सर, अगर रिजल्ट के अभी जो है ये एग्ज़ाम के आधार पर क्लियर होता है तो कब तक स्टूडेंट को ज्वाइनिंग हो जाएगा? यही देखिए ना, 12 से 15 को तो एग्जाम दे देगा, ठीक है, इस मंथ के लास्ट मतलब 3-4 मार्च तक आपको ना वैसे दे देगा, नहीं उसमें, ठीक है। हाँ, 10 तक आपको नीचे तक नहीं मिल जाएगा मार्च तक, होली से पहले सब तो क्लियर कर लिया जाएगा, मतलब होली से पहले सभी को ज्वाइनिंग ले लिया जाएगा। नहीं, अभी लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, स्टूडेंट सब परेशान था सर क्या होगा नहीं होगा, तो हम बोले अच्छा ठीक है, हम बात करके जहाँ से हमें अपडेट मिलता है एक बार हम बात कर लेते हैं, जो भी अपडेट आएगा अभी हम आपको अपडेट कर देंगे, यही जानकारी सर लेने वाले थे जो आप दे दिए, चलिए समय देने के लिए थैंक यू। दोस्तों कॉल रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिए, अब तो आपको बिलीव हो गया होगा, उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है जो पटना हाईकोर्ट में कल सुनवाई है उसमें आपको डेट फिर से एक्सटेंड कर दिया जाएगा, मतलब फिर से नया डेट आपको मिल जाएगा, ऐसे ही डेट पर डेट मिलता रहेगा या ऐसा ही चलता रहेगा। दूसरी बात है जो एग्जाम के आधार पर ही वैकेंसी क्लियर होगा, प्रथम फेज का आपको रिजल्ट जो है 12 से 15 के बीच में आ जाएगा, और मेधा सूची जो मेरिट लिस्ट है इस महीना के लास्ट तक आपको आएगा, और आपको मार्च में ज्वाइनिंग ले लिया जाएगा, सभी स्टूडेंट ड्यूटी पर मार्च में चले जाएंगे, नियुक्ति पत्र मार्च में मिल जाएगा। आप रिकॉर्डिंग में सुने क्लियर करके, जहां से हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है यही जो है सर हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, बीटीसी विभाग के द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं यही सर से पूछ के,
और अभी देखिए सर से बातचीत किए हैं और सर हमें जो बताए हैं आप खुद सुने, रिकॉर्डिंग भी सुने आप, अब तो आप क्लियर हो गया है जो या रिजल्ट कब आ रहा या वैकेंसी कैसे क्लियर होगा, समझ में आ गया। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जैसे विभाग तरफ से जो भी अपडेट आएगा वीडियो बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। थैंक यू।